थाना एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसीबी ने करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। मामले में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 10 वरिष्ठ अधिकारियों और 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में जाली लगाया गया था बैंक खातों का विवरण। और आपको बता दें कि सभी आवश्यक सबूत जुटाते हुए मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ करनाल और अंबाला रेंज में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त 6 राजपत्रित अधिकारी और इसके साथ ही आईसीडीपी रिवाड़ी के 4 अन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में 4 निजी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल 14 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। आरोपियों में ऑडिट ऑफिसर बलविंदर, डिप्टी चीफ ऑडिटर योगेंद्र अग्रवाल, जिला रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और करनाल रोहित गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति अनु कौशिक, राजकुमार जितेंद्र कौशिक और कृष्ण बेनीवाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो कुल 14 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुके हैं। 100 करोड़ का ये पूरा घोटाले का जो खुलासा किया गया, 14 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और गंभीरता से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आईडीपी रेवाड़ी के लेखाकार सुमित अग्रवाल, डेवलपमेंट अधिकारी नितिन शर्मा और विजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। स्टालिनजीत, नताशा कौशिक, सुभाष और रेखा का नाम भी इसमें शामिल है।